वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो बताऊंगी, तो जिसमें बैक साइड में हुक रहेगा। तो आप देख सकते हो जो अस्तर का भाग मैंने डबल किया है उस खुले भाग में लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है 12.5 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है 13.5 इंच, और पूरा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 इंच का आधा 6.5 इंच लिया है, और आर्मोल की लंबाई भी 6.5 इंच ली है। इस तरह से निशान कर देंगे। और छाती का भाग देखिए 30 इंच है, तो 7.5 इंच मैंने निशान किया है। 7.5 पे आर्मोल की गोलाई का शेप देंगे, और 1.5 या 2 इंच जो भी मार्जिन चाहिए एक्स्ट्रा लेंगे। 6.5 इंच आर्मोल की गोलाई है। 6.5 इंच रेडी नाप लेने के बाद में शोल्डर में 0.5 इंच डाउन कर दीजिए, नीचे उतर के तिरछा लाइन कर देंगे। 1.5 या 2 इंच आपको जितना मार्जिन रखना है मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से देखिए जितना छाती का नाप आता है पूरा 9.5 इंच, तो कमर लेंगे 0.5 इंच कम। बैक साइड का भाग 3.5 इंच लिया है, ऊपर से भी 3.5 इंच पे निशान करके गोलाई का शेप दे देंगे। शोल्डर लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। अभी देखिए 2.5 इंच पे एक लाइन की है जो, और नेक का शेप दे दिया है। इस तरह से देखिए बैक साइड का भाग पूरा हो गया है। कटिंग कर देंगे, आप देख सकते हो कटिंग कर दिया है। अभी टक्स लगाएंगे, तो टक्स की लंबाई 4 इंच और चौड़ाई भी 4 इंच ली है बंद भाग से। इस तरह से 0.5-0.5 इंच का निशान कर देंगे, और आगे पीछे दोनों तरफ सेम निशान करेंगे इसी तरह से। अभी देखिए फ्रंट साइड का भाग कटिंग करेंगे, तो फ्रंट साइड का भाग इस तरह से सेट कर देंगे पहले। गले की गोलाई जितनी है सेम इस तरह से पहले ड्रॉ कर देंगे, और शोल्डर और आर्मोल की गोलाई भी इसी तरह से शेप दे देंगे। पूरी लंबाई देखिए जितना है उतना ही लेना है। आर्मोल की गोलाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और कमर जितनी थी 9 इंच प्लस 9 प्लस 2 11 इंच लेंगे कमर, और साइड भाग को मिला देंगे। इस तरह से उसको पूरा इतना सेट करने के बाद में बैक साइड का भाग हटा देंगे, और आर्मोल की गोलाई है उसको 0.5 इंच अंदर की तरफ शेप देके वापस गोलाई का शेप दे देंगे। और गले की लंबाई देखिए 5.5 इंच रखना है या 6 इंच, जितना आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग शेप देके वापस गोलाई का शेप दे देंगे। अभी बंद भाग से सेंटर से देखिए 3.5 इंच पे एक निशान किया है चौड़ाई में, और लंबाई में 10 इंच पे निशान किया है। इस तरह से नीचे जितनी जहाँ लाइन जाए वहाँ पे सीधा लाइन कर दीजिए, और गोलाई का शेप दे दीजिए। आर्मोल की गोलाई का शेप दे देंगे। अभी देखिए ये प्रिंस कट में कटिंग नहीं करेंगे, पूरा जैसा है वैसा ही रखना है, क्योंकि उसको सिलाई करेंगे तभी सेम प्रिंस कट जैसा ही करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने 2 भाग नहीं किए हैं। चेस्ट का भाग कम हो तो इस तरह से आप स्टिच कर सकते हो सेम प्रिंस कट के जैसा, बहुत सुंदर लगेगा। अभी देखिए स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की चौड़ाई है 6.5 इंच और लंबाई है 9.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 10.5 इंच, और चौड़ाई का भाग लेंगे 4.5 प्लस 2 इंच या 1.5 इंच जो भी मार्जिन है निशान कर देंगे। अभी देखिए ऊपर से 3 इंच पे एक निशान कर देंगे सीधा 3 इंच पे, क्योंकि लंबी स्लीव है तो 3 इंच लेना है, शॉर्ट होती तो 2.5 इंच पे निशान करते। अभी 6.5 इंच पे देखिए फिटिंग का निशान आएगा, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान आएगा। हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से स्लीव की कटिंग कर देंगे। के सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे, और 0.5 इंच पे एक निशान करके सेम गोलाई का शेप दे देंगे जो फ्रंट साइड में लगेगी
आगे से आधा इंच जो अंदर का शेप दिया है गोलाई का, वो फ्रंट साइड में जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। लेस होगी तो उसको निकाल के इस तरह से देखिए, मैंने खुले भाग की तरफ पीछे का भाग रखा है और बंद भाग की तरफ फ्रंट साइड रखा है। इस तरह से उसको कटिंग कर देंगे, हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। ज़्यादा सिल्की कपड़ा हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा कटिंग करें। अभी देखिए जो लेस का भाग निकाला था, लेस को बराबर फोल्ड करके सेंटर से कट कर देंगे, उसका दो भाग कर देंगे। देख सकते हो पहले स्लीव रेडी कर देंगे। स्लीव के भाग को सीधा रखेंगे, पहले सीधे भाग के ऊपर लेस देखिए इस तरह से पहले सेट कर दीजिए। अभी उसको लेस को उल्टा रख देंगे, इसके ऊपर अस्तर रख देंगे। अस्तर रख के देखिए आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। देखिए कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, लेस के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। अभी अस्तर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और लेस बाहर निकलेगी। आप देख सकते हो लेस में जो समोसा डिज़ाइन है वो बाहर अच्छे से निकल गया है। इस तरह से आप दाब सिलाई लगा देंगे। नीचे का कपड़ा भी खींचना है और ऊपर का भी, ताकि नीचे झोल ना आ जाए कपड़े में। इस तरह से उसको सेट करते हुए आराम से सिलाई लगाए, हल्की सी किनार छोड़ के साइड में सिलाई लगाए, एकदम किनार पर सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से देखिए सिलाई लगा दी है, लेस लग गई है। अभी स्लीव के चारों किनार पे सिलाई लगाएंगे, अस्तर के ऊपर किनार किनार पे सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हो चारों बाजू सिलाई लगा दी है। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है, अस्तर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। स्लीव रेडी हो गई है, इसी तरह से दूसरी स्लीव भी रेडी कर देंगे। अभी देखिए दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अभी जो फ्रंट साइड का भाग है उसको देखिए सेट करेंगे, तो ब्लाउज को उल्टा रखेंगे, उल्टे के ऊपर अस्तर रख के चारों तरफ किनार पे सिलाई लगा देंगे। पहले देखिए सिलाई लगाते समय कपड़ा बिल्कुल इधर उधर ना हो, अच्छे से सेट करके सिलाई लगाए। चाहे तो आप पिन डाल सकते हो, पिन डाल के उसको कपड़े को सेट करके सिलाई लगा सकते हो। इस तरह से देखिए पूरे में सिलाई लग गई है, एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको कटिंग कर देंगे। कपड़े को कटिंग कर दिया है। अभी देखिए ऊपर से शोल्डर से मैंने 9.5 या 10 इंच पे एक निशान कर देंगे, तो 9.5 इंच पे निशान किया है क्योंकि ब्लाउज की लेंथ कम है। अभी जो मेन सेंटर का भाग है वहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान करेंगे, दोनों तरफ 3.5 3.5 इंच पे निशान कर देंगे। अभी देखिए जितनी लाइन आती है वो नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से देखिए एक साथ में गोलाई का शेप देके
सिलाई नहीं करनी है। पहले आप टक्स लगाए, 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था तो 1 इंच का मार्जिन छोड़ के टक्स की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों टक्स को सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। चेस्ट का भाग जिसका कम हो आराम से इसी तरह से प्रिंस कट ब्लाउज बनाएं। कोई भी कपड़ा इस तरह का हो, कपड़ा वर्क वाला वगैरह, तो आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए, अभी हल्का सा गोलाई का मैंने शेप दे दिया है और बगल की गोलाई से फोल्ड करके कपड़े को आधा आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जब लगाए तभी आप सुई को अंदर डाल के पीछे वाले घोड़े को ऊपर करके आराम से सेट करके सिलाई लगाए, नहीं तो कपड़े में हल्का सा सलवटें आ जाती हैं गोलाई की वजह से। तो आप उसको आराम से सिलाई लगाए, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगाए। इस तरह से देखिए पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। ब्लाउज भी एकदम डीप हो जाएगा हल्का सा और अच्छे से प्रिंस कट जैसा दिखेगा। दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए कपड़े को सेट करके सिलाई लगाए आराम से। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो उसको किस तरह से साइड से कटिंग करेंगे, पूरा सेट करके कैसे स्टिच करते हैं वीडियो में पूरा बताया है। आप देख सकते हो प्रिंस कट ब्लाउज की डायरेक्ट कटिंग हो गई, डायरेक्ट स्टिचिंग हो गई है। अभी जो बैक साइड का भाग है उसको सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर अस्तर रखेंगे दोनों तरफ। अभी देखिए जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे आप पहले ही चौक से निशान कर दीजिए आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, और सिर्फ गले का जो शेप बना हुआ है नेक का, उस शेप में आधा आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए आधा आधा इंच की सिलाई लगा दी है। अभी दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सुई को कॉर्नर आएगा, वहां पे सुई को अंदर डाल के कपड़े को घुमा के स्टिच करना है। अभी देखिए जो कॉर्नर वाला भाग है वहां पे हल्का सा 1-2 कट लगा दीजिए, ताकि कपड़ा मुड़ेगा तभी कपड़े में प्लेट्स नहीं आए, सलवटे नहीं आए, आराम से कपड़ा सेट हो जाए। अभी हल्की सी किनार छोड़ के दाब सिलाई लगा दीजिए। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है। फिर देखिए अस्तर के अकॉर्डिंग किनार पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से किनार पे सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग कर देंगे, और जो टक्स का निशान किया था आधा इंच का, क्रॉस में टक्स की सिलाई लगा देंगे। बैक साइड का भाग रेडी हो गया है। अभी हुक पट्टी और आई की पट्टी बनाएंगे, तो चौड़ी पट्टी जो रहेगी वो उल्टे हाथ की तरफ रहेगी। इस तरह से आधा आधा इंच का सिलाई लगा दिया है, और ऊपर से देखिए जो एक्स्ट्रा रखा था उसको कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, और पट्टी को आधा इंच मोड़ के पूरा सिलाई तक लेना है और किनारी पे सिलाई लगानी है। ये पट्टी आधी बाहर रहेगी, पूरी ऊपर नहीं मोड़नी है, और जो पतली वाली पट्टी है वो ऊपर से सिलाई करेंगे आधा आधा इंच की। देखिए नीचे अभी
पट्टी लगानी बाकी है तो नीचे एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे। जो गले का शेप बन गया है तो गले की शेप की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से किनार पे दाब सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और ऊपर की तरफ वाले कपड़े को मोड़ के एक सिलाई लगा देंगे और पूरे पीछे की तरफ पट्टी को लेना है और किनार पे सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए हुक पट्टी और आई की पट्टी रेडी हो गई है। अभी देखिए जो फ्रंट का भाग है उसको सीधा रखेंगे और बैक साइड के भाग को उल्टा रख के शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे आधा आधा इंच की। इस तरह से देखिए शोल्डर पे सिलाई लगा दी है। अभी जो नेक का भाग है उसको आगे वाले भाग में सेंटर में बराबर इस तरह से सेट कर दीजिए और एक पिन लगा दीजिए। पिन लगा के आप देख सकते हो कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है दोनों तरफ। तो आपको टक्स में सिलाई लेनी है तो हल्की सी टक्स में और सिलाई लेंगे ताकि आगे का पोर्शन थोड़ा डीप हो जाए। आप देख सकते हो आधा आधा इंच और मैंने आगे एक्स्ट्रा लिया है वी शेप तक और हल्का सा टक्स की कटिंग कर देंगे। गोलाई वाले भाग तक मिला के उसको कटिंग कर देंगे। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा भाग हैं उसको इस तरह से पिन लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। बगल की गोलाई में भी एक्स्ट्रा आए तो काटेंगे और साइड भाग में भी एक्स्ट्रा आए तभी काटेंगे, बाद में स्लीव लगाए आप। इस तरह से देखिए लंबाई का साइड भाग की लंबाई का नाप लेके बगल की गोलाई का भी कटिंग कर देंगे शेप। अभी देखिए ये सब रेडी हैं। अभी मैंने तिरछी पट्टी कटिंग की है, एक इंच की चौड़ाई पे तिरछी पट्टी कटिंग की है। दो चार पट्टियों को ज्वाइंट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और पूरी लंबी पट्टी बना दी है। अभी पिन को निकाल देंगे और गले का भाग बनाएंगे तो ब्लाउज को सीधा रखेंगे, पट्टी को उल्टा रखेंगे और आधा इंच से भी थोड़ा कम सिलाई लगा देंगे। पट्टी को हल्की सी आगे एक्स्ट्रा रखेंगे मोड़ने के लिए। इस तरह से पूरे गले में राउंड शेप देते हुए स्टिच कर देंगे। पट्टी को थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर देंगे। अभी देखिए अस्तर की वाली पट्टी है, पट्टी के ऊपर किनार पे सिलाई लगानी है। ब्लाउज के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी, किनार के ऊपर लगेगी। जो पट्टी जॉइंट की है उसके ऊपर सिलाई लगानी है दाब सिलाई। इस तरह से देखिए पट्टी को आगे से एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा मोड़ के और दो बार मोड़ते हुए किनार पे सिलाई लगा देंगे। जो दाब सिलाई दी थी वो उल्टे तरफ दिखनी चाहिए। इस तरह से कपड़े को मोड़ते मोड़ते आप किनार पे सिलाई लगा दीजिए। आप देख सकते हो गले की पट्टी रेडी हो गई है। अभी स्लीव लगा देंगे तो ब्लाउज को सीधा रखेंगे, स्लीव को उल्टा रखेंगे, लेकिन जो फ्रंट साइड का भाग है वो फ्रंट साइड की तरफ ही लगाए और सेंटर में जो कट लगाए हैं उसको देखिए चेक करते हुए अगर थोड़ा भी कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको आगे रखेंगे और इस तरह से आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे स्लीव में। स्लीव लगाते समय बिल्कुल खींचना नहीं है, स्लीव को लूज छोड़ना है। अभी देखिए ब्लाउज के सीधे की तरफ किनार पे सिलाई लगा देंगे। स्लीव को फोल्ड करके सीधे भाग की तरफ जो कवर सिलाई होगी
इस तरह से किनार पे सिलाई लगा के सिलाई के बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है थोड़ा बहुत उसको पहले कटिंग कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। उल्टी तरफ दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा देंगे किनारी पे। अभी देखिए कमर पट्टी लगाएंगे तो 1.5 इंच की चौड़ी मैंने पट्टी कटिंग की है सीधी सीधी, और ब्लाउज का सीधे ऊपर पट्टी को उल्टा रखा है और आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए दाब सिलाई लगा देंगे पट्टी के ऊपर और पट्टी को उल्टी तरफ मोड़ के आधा इंच फोल्ड करके पूरा कपड़े को फोल्ड करना है। दाब सिलाई उल्टी तरफ दिखनी चाहिए और किनार पे सिलाई लगा देंगे। जो जॉइंट की हुई पट्टी है वो उल्टी तरफ आनी चाहिए पूरी। इस तरह से देखिए उल्टा करके उसको फिटिंग का निशान करेंगे ब्लाउज में। पहले आप उल्टी तरफ एक सिलाई लगा दीजिए आधा आधा इंच की। अभी देखिए 4.5 इंच की चौड़ाई स्लीव थी तो 4.5 इंच पे एक निशान कर देंगे स्लीव की चौड़ाई पे, और आर्मोल की गोलाई है 6.5 इंच तो 6.5 इंच पे निशान करके दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरह से दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही रखेंगे। दूसरी स्लीव में भी इसके अकॉर्डिंग निशान करेंगे 4.5 इंच का। देखिए आपको ब्लाउज को पूरा अच्छे से समझा दिया है स्टिच कैसे करते हैं और कटिंग कैसे करते हैं प्रिंस कट। जिसके चेस्ट का भाग कम हो तो आप डायरेक्ट प्रिंस कट बना सकते हो। अभी देखिए कमर है 24 या 25 इंच जितना लेना है मुझे, तो 25 पे निशान करके एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आप 2 बार फोल्ड कर दीजिए और फिर इंच टेप से चेक कर दीजिए। जितना भी इंच एक्स्ट्रा आएगा 1/4 इंच जितना एक्स्ट्रा है, 1 इंच में 2 लाइन कम, तो जो सिलाई लगाई थी उसके बाद में 1/4 इंच निशान करके एक निशान कर देंगे और आर्मोल की गोलाई तक मिला देंगे उसको। जो सिलाई लगाई है उसके बाद में निशान करना है, जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसके अकॉर्डिंग। देखिए उसको जो निशान किया था उस पर स्टिच कर देंगे फिटिंग का। इस तरह से 3-4 सिलाइयां लगा दी हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे 3-4 और उसको फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हो ब्लाउज रेडी हो गया है, बहुत सुंदर ब्लाउज बना है। देखिए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।